हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ अंजुम शेख टीचर वर्किंग एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धुसेरा, ब्लॉक अभनपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, डू यू लाइक टू प्ले? क्या आपको खेलना पसंद है? सभी को पसंद है, आपको भी पसंद है। तो आप किसके साथ खेलना पसंद करते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने पेट्स के साथ, है ना? तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम, क्लास सिक्स, लेसन नंबर 14, पपी एंड आई। इन दिस पोएम देयर इज अ चाइल्ड, एक बच्चा है जो खेलना चाहता है और उसे कोई मिलता नहीं खेलने के लिए। तो वो सबसे पूछता है कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे? चलिए हम देखते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट द पोएम। पपी एंड आई। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, मैन एंड आई। वेयर आर यू गोइंग टू मैन? आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। विल यू कम विथ मी? नो नॉट आई। I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to, horse, today? I said to the horse as he went by, down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a woman as I went walking. We got talking, woman and I. Where are you going to, woman, so early? I said to the woman as she went by, down to the village to get some barley. Will you come with me? No, not I. I met some rabbits as I went walking. We got talking, rabbits and I. Where are you going in your brown fur coats? I said to the rabbits as they went by, down to the village to get some oats. Will you come with us? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going this nice fine day? I said to the puppy as he went by, up in the hills to roll and play. I will come with you, puppy, said I. तो बच्चों, अब हम पोयम समझेंगे। सो बच्चों, I met a man as I went walking. मैं एक आदमी से मिला जब मैं गुजर रहा था, मैं टहल रहा था। We got talking. हम बातें करने लगे। Man and I, आदमी और मैं। Where are you going to, man? I said. मैंने कहा, आप कहाँ जा रहे हो आदमी? I said to the man as he went by. मैंने उस आदमी से कहा जब वह वहाँ से गुजर रहा था। Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. नीचे गांव की ओर कुछ ब्रेड लाने के लिए क्या तुम मेरे साथ आओगे? नहीं, मैं नहीं। I met a horse as I went walking. मैं एक घोड़े से मिला जब मैं जा रहा था। We got talking. हम बातें करने लगे। Horse and I. घोड़ा और मैं। Where are you going to, horse, today? Horse, आज तुम कहाँ जा रहे हो? I said to the horse as he went by. मैंने घोड़े से पूछा जब वो गुजर रहा था। Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. बच्चों, हे यानी होता है सूखी घास, ड्राई, जो कि जानवर चरते हैं, जैसे घोड़े हैं, बकरियां हैं, है ना? तो डाउन टू द विलेज, नीचे गांव की ओर कुछ ड्राई घास लेने के लिए। विल यू कम विथ मी? क्या तुम मेरे साथ आओगे? नो, नॉट आई। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। जो भी वहाँ से
गुजर रहा है बच्चा, उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। और जब वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे, तो बच्चा कहता है कि नो नॉट आई, नहीं मैं नहीं आऊँगा। आई मेट अ वुमेन एज आई वेंट वॉकिंग, मैं एक औरत से मिला जब मैं जा रहा था। वी गॉट टॉकिंग, हम आपस में बातें करने लगे। वुमेन एंड आई, मैं और औरत। वेयर आर यू गोइंग टू वुमेन सो अर्ली, इतनी जल्दी में आप कहाँ जा रही हो। वुमेन, आई सेड टू द वुमेन एज शी वेंट बाय, मैंने उस औरत से कहा जब वो गुजर रही थी। डाउन टू द विलेज टू गेट सम बार्ली, विल यू कम विथ मी, नो नॉट आई। अब औरत जो है वो जवाब देती है, नीचे गांव की ओर कुछ बार्ली, यानी बार्ली यानी होता है बच्चों जौ, ये एक प्रकार का अनाज है, तो मैं नीचे गांव की ओर कुछ बार्ली लेने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे। नो नॉट आई, बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं आऊँगा। आई मेट सम रैबिट्स एज आई वेंट वॉकिंग, मैं कुछ रैबिट्स से मिला जब मैं जा रहा था। वी गॉट टॉकिंग, हम आपस में बातें करने लगे। रैबिट्स एंड आई, बहुत सारे खरगोश और मैं। वेयर आर यू गोइंग इन ब्राउन फॉर कोट्स, आई सेड टू द रैबिट्स एज दे वेंट बाय। रैबिट्स, आप अपने इस ब्राउन फर कोट्स को पहनकर कहाँ जा रहे हो। मैंने रैबिट से पूछा जब वे वहां से गुजर रहे थे। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स, विल यू कम विथ अस, नो नॉट आई। बच्चों, ओट्स यानी होता है जई, ये भी एक प्रकार का अनाज है। तो नीचे गांव की ओर हम कुछ ओट्स लेने जा रहे हैं, रैबिट्स ने कहा, क्या तुम हमारे साथ आओगे। नहीं, मैं आप लोग के साथ नहीं आऊँगा। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, मैं एक पपी से मिला जब मैं जा रहा था। वी गॉट टॉकिंग, हम बातें कर रहे थे। पपी एंड आई, पप्पी और मैं। बच्चों, पप्पी यानी होता है कुत्ते का पिल्ला। लुक एट द पिक्चर, देखिए हम बहुत सारे पेट्स रखते हैं घर में, तो उसमें से एक पप्पी भी है, और बच्चे जो है वो पप्पी के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। वेयर आर यू गोइंग दिस नाइस फाइन डे, तुम कहाँ जा रहे हो इतने खूबसूरत दिन में। आई सेड टू द पप्पी एज ही वेंट बाय, मैंने पपी से पूछा जब वो गुजर रहा था। अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, आई विल कम विथ यू पपी, सेड आई। अभी तक बच्चों जितने भी लोग इस बच्चे को मिले, वे सारे लोग किसी न किसी कार्य को करने के लिए जा रहे थे। अब जब पपी मिला तो पपी से इसने पूछा, तो पपी ने क्या जवाब दिया, अप इन द हिल्स, ऊपर पहाड़ों की ओर, टू रोल एंड प्ले, वहाँ पर लुढ़कने के लिए और खेलने के लिए। तो बच्चा क्या कहता है, आई विल कम विथ यू पपी, सेड आई, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा पपी, मैंने कहा। तो बच्चों, क्योंकि ये बच्चा खेलना चाहता है और जो भी उसे रास्ते में मिलता है उससे वो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और हर कोई किसी न किसी काम को करने जा रहे हैं, तो अंत में जब पपी कहता है कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो बच्चा उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। होप आपको पोयम समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन, हु डज आई स्टैंड फॉर इन द टाइटल। टाइटल में आई, पप्पी एंड आई जो टाइटल है उसमें आई किसके लिए यूज हुआ है। आंसर, आई स्टैंड्स फॉर द लिटिल बॉय इन द टाइटल। आई जो है वो एक छोटे बच्चे के लिए, छोटे लड़के के लिए यूज हुआ है। सेकंड इज,
Why does the child talk to everyone he meets on his way? जो भी रास्ते में मिलता है बच्चा उससे क्यों बातें करता है? The child talks to everyone because he wants to play. बच्चा हर किसी से बातें इसलिए करता है क्योंकि वो खेलना चाहता है. Next question is, why does the child agree to go with the puppy? बच्चा पप्पी के साथ जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? The child agrees to go with puppy because puppy was going up in the hills to roll and play. बच्चा पप्पी के साथ जाने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि पप्पी पहाड़ियों पर लुढ़कने और खेलने के लिए जा रहा था, है ना? Now next question, why does the child always say no, not I? तो बच्चों, the child always says no, not I because he doesn't want to go with them. बच्चा सभी को no, not I इसलिए कहता है क्योंकि वो उनके साथ नहीं जाना चाहता था. Pick out the words from the poem related to food and put them in the web chart given below. तो बच्चों, जो food items poem में use हुए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं. जैसे कि देखिए, barley, ओट्स, ब्रेड और हे. इसी तरह से और भी फूड आइटम्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज यू नो सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेड एंड सम नॉट. आप जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स गिने जा सकते हैं और कुछ नहीं. वी कैन काउंट ट्रीज एंड चेयर्स बट वी कैन नॉट काउंट मिल्क एंड सैंड. हम पेड़ को, कुर्सियों को गिन सकते हैं लेकिन हम मिल्क यानी कि दूध, सैंड यानी कि रेत, इन सबको गिन नहीं सकते. तो बच्चों, पिक आउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द पोयम एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम. तो आपको पोयम से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो चूज करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं. तो बच्चों, काउंटेबल नाउन्स है पपी, है ना, हम काउंट कर सकते हैं. मैन, वुमेन, विलेज, हॉर्स, रैबिट, कोट, डे एट्सेट्रा. इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन्स जो हम गिन नहीं सकते, जैसे ब्रेड, हे, बार्ली एंड ओट्स. ओके चिल्ड्रन, नाउ आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ड्रॉ योर फेवरेट पेट. आपका जो भी फेवरेट पेट होगा उसका आपको एक ड्राइंग बनाना है और घर पर बड़ों को दिखाना है. होप यू अंडरस्टूड द पोयम. सो बच्चों, गुड बाय, सी यू सून.